मेरे अन्नदाता किसान, मेरे प्यारे किसान बंधुओं, आप सभी कृषकों का इस फार्म सिग्मा में आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे सभी कृषकों को रस चूसक कीट थ्रिप्स चुरड़ा मुरड़ा तैला जिसको बोलते हैं, जिसकी जानकारी हम उसका जीवन चक्र है, प्रकोप में लक्षण है, नियंत्रण में रोकथाम है और एकीकृत हानिकारक कीट प्रबंधन या समन्वित कीट प्रबंधन की जानकारी आपको दी जाएगी। मैं सभी कृषकों से कहना चाहूँगा कि वे जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबाने का कष्ट करें। ये जो थ्रिप्स है इसका नाम है थ्रिप्स, ये थाइसनोप्टेरा फैमिली में आता है, थ्रिपिडी, आर्थ्रोपोडा, एनीमिया और एक्सोसॉप्टिकोटा इसके अंदर में ये आता है। और ये जो थ्रिप्स है ये रस चूसक कीट है, इसका जो जीवन चक्र है वो आप देखेंगे कि थ्रिप्स के अंदर जो जीवन चक्र है इसमें जो लाइफ साइकिल होती है ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इसके अंदर होता है। और इसमें जो है ये थ्रिप्स के अंदर आप देखेंगे पहली इंस्टार, सेकंड इंट्रल, प्री प्यूपा, प्यूपा, उसके बाद में ये जो थ्रिप्स होता है इसकी जो वैसक होती है और इसका जो शिशु होता है वो दोनों ही इस तरह के नष्ट करते हैं। बात करते हैं हम लोग जो प्रभावित फसल है, अब देखेंगे कि जो मिर्ची है, मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा, गुलाब, प्याज, लहसुन, थ्रिप्स और कपास, मिर्ची के अंदर में थ्रिप्स जो रस चूसक कीट होता है सबसे ज्यादा मिर्च में होता है। जब ऊपर की ओर पत्तियां मुड़ने लगती है तो समझ लीजिए ये थ्रिप्स का प्रकोप है। प्याज में थ्रिप्स सबसे ज्यादा लगता है, लहसुन में भी थ्रिप्स लगता है, सिट्रस में लगता है, कपास में लगता है, खीरा में लगता है, आलू में लगता है। ये जितने भी सोलनेसी कुल के पौधे हैं, मालवेसी कुल के पौधे हैं, लिलेसी कुल के पौधे हैं, रूटेसी फैमिली है, इन सब में थ्रिप्स की शिकायत आती है। ये देखेंगे कि जो अनार है, जितने भी फल हैं उनमें सब में थ्रिप्स का प्रकोप होता है, क्योंकि थ्रिप्स क्या है, खुरेद खुरेद कर खाता है, खास करके फूलों को भी नुकसान करता है, पत्तियों को भी नुकसान करता है, फलों को भी नुकसान करता है, सबको खुरेद कर काटने वाला एक ये कीट है। इसके कारण मिर्च के अंदर में 101 तरीके के वायरस पनपने की संभावना थ्रिप्स के कारण हो जाती है। थ्रिप्स या जो तेला होता है ये बहुत ही छोटा कीट होता है, इसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन प्याज के अंदर में अगर आप दो स्केल उठाएंगे पत्तियों के तो उसमें आपको छोटे 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 पीले पीले रंग के जो कीट हैं वो आपको प्राप्त होंगे, मिलेंगे बिल्कुल। जो थ्रिप्स का जो अटैक है पौधे की पिछली पत्तियों की ओर होता है, रस चूसने के साथ साथ ही खुरेदता भी है, लेकिन खुरेदने का काम ये ज्यादा करता है, रस चूसने का काम कम करता है। वायरस बहुत तेजी से बढ़ता है थ्रिप्स से, क्योंकि जब थ्रिप्स रस चूसता है उस समय जो पौधा होता है वो संकुचित हो जाता है, उसकी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के किया पूरी तौर से खत्म हो जाती है। और वायरस क्या है, वायरस एक रोग है, लेकिन वो किससे फैलता है, वेक्टर से फैलता है। थ्रिप्स का नियंत्रण एवं रोकथाम, अब कभी भी जितनी मिठास होगी फसल पे, जैसे हम लोग नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का जितना कम से कम प्रयोग करेंगे उतना जो है थ्रिप्स की प्रकोप उतना कम होगा। अब हमारे पास थ्रिप्स आई कैसे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नीला सिकी कार्ड जो है, नीला चिपचिपा कार्ड, ये नीले रंग का कार्ड होता है, जैसे हम पीला लगाते हैं बाहू के लिए, सफेद मच्छर के लिए, उसी तरह जो ये थ्रिप्स होती है इसके लिए नीला सिकी कार्ड लगाते हैं, कम से कम 5 प्रति एकड़ हमको लगा देना चाहिए। और इसको लगाने से जो थ्रिप्स है वो पौधों को छोड़ करके वो स्टिकी कार्ड जो चिपचिपा कार्ड होता है उसमें जा करके ये चिपक जाएगी। अब इसकी दो विधियां हैं, एक तो है रासायनिक, दूसरी होती है जैविक। जब भी हम रासायनिक विधि अपनाते हैं सबसे पहला जो छिड़काव होता है वो होता है आपका डाइमिथोएड। डाइमिथोएड को अगर हम गंधक के साथ में, अगर ठंड का मौसम, सर्दी का मौसम है तो डाइमिथोएड के साथ हम सल्फर मिला देते हैं। सल्फर मिलाने से क्या होता है, डाइमिथोएड रस चूसक कीटों को कंट्रोल कर लेगा और वो जो सल्फर है वो उसकी जो जैविक क्रियाएं हैं उसको अच्छा कर देगा और इससे होने वाले जो रोग हैं उनको रोकथाम करने का काम सल्फर करता है। इमिडिया क्लोप्रिड, फिप्रोनिल, प्रोपेनोफास, स्पिनोसिड, प्रोपेनोफास अगर करते हैं तो वो थ्रिप्स के अंडों को नष्ट कर देगा, साथ साथ जो फिप्रोनिल है वो उसकी रस चूसक कीट जो है उसको कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर इसकी पॉपुलेशन शुरू में ही अगर हमको इसकी पॉपुलेशन पता लग जाए तो हमें जो है इसकी स्काउटिंग करके इसका तुरंत जो है
हमें दवाई का छिड़काव करना चाहिए। दवाई का छिड़काव सुबह या शाम को करना चाहिए और जो नोजल है उसको हवा की दिशा में और अंग्रेजी के 8 अक्षर में घुमाना चाहिए। जैविक विधि, अब जैविक विधि के जो नीम ऑयल है जिसको बोलते हैं एज़ाडायरेक्टिन, इसमें एज़ाडायरेक्टिन है वो टमाटर और मिर्च के अंदर में 10,000 ppm, बाकी फसलों में 350 ppm। शुरू करना है हमको 10,000 ppm से, उसके साथ हम वर्टिसिलियम लेकिनी, मतलब एक नीम एज़ाडायरेक्टिन का एक छिड़काव, एक रासायनिक छिड़काव, एज़ाडायरेक्टिन का छिड़काव और एक रासायनिक छिड़काव। कभी भी रासायनिक के साथ हमको ये नीम ऑयल नहीं मिलाना है और खास करके जब फल का निर्माण होता है उस समय हमको कम से कम इसका उपयोग करना है। नीम के जो अर्क है उसको भी हम, निम्बोली का अर्क जो है उसको भी मुबाल करके उसको भी हम पंप के अंदर लेकर के छिड़काव कर सकते हैं। लक्षण आप देख सकते हैं, हमने इस चित्र के द्वारा बताया हुआ है। अब ये जो हमारा फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे जो किसान भाई जो है हमारे वेंडरों के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इसे डाउनलोड करें और इससे आपको 70 फसलों की जानकारी है, मौसम का पूर्वानुमान है और उसके बाद मिट्टी परीक्षण से हम अगली फसल की जानकारी है और उसके बाद में हम क्या करते हैं व्यक्तिगत सलाह भी देते हैं। तो मेरा सभी जो वेंडर्स हैं उनसे निवेदन है कि वे किसान भाई को ज़्यादा से ज़्यादा बार कोड के जरिए सीधे ही जो है डाउनलोड किसान भाई कर सकते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम दूँ, उससे पहले कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है सभी किसान भाई फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी जा करके सीधे से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये सारी जानकारियाँ इस सारे वीडियो के माध्यम से आपको वहाँ भी जानकारी, उनसे तो आप लोग सीधे सीधे वहाँ भी जोड़ सकते हैं। मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। जय हिंद।